11 day delay in putting out detailed turnout data in the first phase, 4 day delay in putting out detailed turnout data in the second phase is unheard of, unprecedented, and unacceptable. कहते हैं कि इसमें कोई आपको विश्वास रखना चाहिए कि ये जो कहा गया है वो सही है। हम विश्वास रखेंगे, लेकिन इतना ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताना चाहिए कि 11 दिन क्यों लग गए। और आज की स्थिति, हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी है कि कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिस पर लोगों को शक नहीं है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो गवर्नर साहब हो, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, चाहे वो हो।